भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय। धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तजनों, ब्राह्मणवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम आपको कार्तिक मास में का छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक स्नान की विधि, तिथि व पूजा का ज्ञान। नारद जी बोले, दो घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाकर स्नान करे। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरना में, झरना से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में, और इससे 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है, तथा तीर्थ में स्नान करने का 2 गुना फल होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें। कमलनाभ भगवान को नमस्कार है, जलशाही भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम इस मेरे हृदय को ग्रहण करिए, आपको मेरा नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए हैं वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूँ सो मेरे हृदय को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए मेरे इस हृदय को ग्रहण कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीय या नवमी, दसवीं और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान न करे। भक्त भावन, जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया है, वे पाप नाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं वे मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद, मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करे। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करे। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हो। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सबका तर्पण करे। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करे। तीर्थ और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया है सो मेरे इस दिए हुए अर्घ्य को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें, गंध, पुष्प और तांबूल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख्य में वेद रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहे कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की, ये हरिप्रिय तुम मेरे पापों को हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराणोक्त हरि कथाओं को श्रवण करें तथा भक्ति पूर्वक पूजन करें। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला
नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का हरने वाला पुत्र बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिकेय व्रत के सिवाय और कोई व्रत नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।